तो भैया जी यार क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ सबके सब बढ़िया होंगे। तो तुम्हारा भाई भी बढ़िया है और आ चुका हूँ कभी तबाहीदार गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। और इस बार गेम प्ले वीडियो को तुम बस पूरा देखो, तुम्हें मज़ा भी आने वाला है और तुम एंटरटेन भी होने वाले हो। तो यार देख रहे ना गेम प्ले वीडियो को। और गेम प्ले वीडियो की बात करें तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये जो आइसलैंड है ना, यहाँ पर उतर रखे हम। और यहाँ पर भाई मुझे लगा कोई भी नहीं आएगा, लेकिन दबा के स्क्वाड आ रखी है भाई। और अब तुम कहोगे कि भैया कहाँ है बंदे, अभी तुम्हें कोई नहीं दिखने वाला, लेकिन जैसे ही नीचे पहुँचेंगे ना तो भैया अब सुनना तुम, खटर खटर पता नहीं कैसे कैसे गन्नों की आवाज़ आ रही थी, तो सुनते रहो अब। और देख सकते हो अब भाई एक दो तीन पता नहीं कितने तीन चार स्क्वाड उतर रखे हैं यहाँ पे। और देख रहे हो भैया कति गन के नाम पे पिस्टल और शॉर्ट गन पकड़ा दी। भैया मिर्जापुर नहीं खेल रहे, पबजी खेल रहे भाई, ढंग की गन्ने पकड़ाओ। तो इसी के साथ हम पबजी में भाई मिर्जापुर की फील लेते हुए पिस्टल से बंदों को फील रहे हैं। और देख रहे हो भैया कति हमने भरोसे वाले चाचा को मार दिया इसी के साथ। तो उसके बाद नीचे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन भाई गन के लालच में जाना पड़ता है। और यहाँ पे तुम्हें दिखी गई होगी एक है टॉमी और दूसरी है स्कारल। तो टॉमी मिल चुकी है अब तो भाई सारे बंदों का कुत्ता बना के मारेंगे। और यो रही भाई हमारे हाथों में टॉमी, और तुम्हें पता ही मेरी फेवरेट गन है यो। और ये वाला बंदा भाई एकदम भला आदमी था, तुमने देखा होगा उस वाले बंदे ने इसे नॉक किया। मतलब डैमेज तो मैंने बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन एक गोली मार के उसने नॉक किया। और ये वाला बंदा भाई मेरी साइड में आ गया ताकि मैं इसे फिनिश करूं और मैं इसका किल टपा लूं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लूटता हूं, उसके बाद मैं हेल्थ लगाता हुआ ऊपर आता हूं। और भैया जी ये नीला भालू पता नहीं कहाँ से आता है, और पोलर बियर लग रहा था इसलिए भाई मुझे पहचाना नहीं गया, क्योंकि भैया बर्फीली जगह है और बर्फ जैसे कपड़े इसने, बर्फ जैसे तो नहीं थे लेकिन नीले नीले कपड़े पहन रखे थे तो दिखा नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे यो वाले चचा पता नहीं कहाँ भागे भागे जा रहे थे, तो इनको थोड़ा सा डैमेज देते हैं। तो यार यहाँ पे छोटी सी गलती के कारण ऊपर से हम पहुँच जाते हैं, और उसके बाद सामने साइड में बंदा है। और इन दोनों बंदों ने भाई अपना बैग बुक एकदम पैक कर दिया था और यहाँ से निकलने की तैयारी में थे, और निकल भी जाएंगे भाई। ऐसे मैं इनको निकलने नहीं देता, लेकिन ये वाला बंदा भाई मुझे पकड़ के रखता है और यहाँ से जाने नहीं देता। तो उसके बाद यहाँ पे मैं जब मतलब मुंडी निकाल रहा था तब ये छुपा रहा था, और जब मैं छुपा रहा था तब ये निकाल रहा था। तो यहाँ पे भाई मैं जल्दी से पीछे जाता हूँ, एक ग्रेनेड ढूंढता हूँ, और अब इसकी मुंडी फोड़ते हैं हम। और ये हो गया भाई नेड उसकी झोली पे, और ये धमाका और ख़त्म। तो इस वाले ग्रेनेड के लिए तुम कुछ भी नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी यार लाइक कर दो यार, अपने भाई के लिए कर सकते हो लाइक। और एक दो भाई तुमसे इंपॉर्टेंट डिस्कस भी करने वाला हूँ अपने चैनल के बारे में, ऐसा मत समझ लेना भाई पासवर्ड बचा दूंगा चैनल का, ये बात मत समझना ठीक है, कुछ और बात है उसको बाद में बात करेंगे। और उसके बाद मुझे भाई यहाँ से तैर के जाना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों हरामी भाई बोट लेके भाग गए थे। और जाते जाते यहाँ पे आता हूँ तभी सामने की साइड में एक लाल बनियान में बंदा दिखता है, तुम्हें भी दिखा होगा लेकिन वो बॉट था यार। और बॉट के चक्कर में रियल बंदा दिख जाता है, और ये वाला बंदा कतई चौड़ में था और यहाँ से निकल जाता है, लेकिन रुक गया भाई आगे जाके। और ये रहा वो लाल बनियान वाला, और ये वाला बंदा एकदम बहुत ज्यादा पीरो प्लेयर वाली स्प्रे देता है, लेकिन एक गोली भी लगती। और तुम्हारा भाई कहते इसको बजा देता है, इसका हेलमेट हुलमेट फोड़ देते हैं। उसके बाद इस भाई को जल्दी से फिनिश करते हैं और इसके पिछवाड़े में पता नहीं कितनी गोलियां भर देते हैं। उसके बाद यहाँ से गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं भाई। और फिर मैं गाड़ी उठा के यहाँ पे आता हूँ, और यहीं पे आने वाला हूँ भाई मैं, कौन सा बूट कैंप में जाने वाला हूँ। यहाँ पे आता हूँ और सामने की साइड में, सामने की साइड में नहीं मतलब इस घर के ऊपर पे दो दो बंदे हैं और एक ग्रेनेड है मेरे पे। अगर यहाँ पे मैंने भाई ग्रेनेड से नॉक कर दिया तो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। और देख लो नॉक हो चुका है, और क्या नाम है इसका भाई, हाँ भाई कलयुग गेमर। और इनके टीममेट भाई साहब को हम दोनों को बजा देते हैं। उसके बाद इनको फिनिश करने की बारी, और जो कि हमें काफ़ी बोरिंग काम लगता है। और ये हो चुके हैं हमारे चचा फिनिश, और ये देख लो हो गए। तो इसी तो इन बंदों को बजाने के बाद भाई इनका टीममेट भी प्रतिशोध की आग में आ गया था। और ये रहे इनके टीममेट चचा, प्रतिशोध की आग में भड़कते भड़कते और भुड़कते भुड़कते आ गए थे, लेकिन भाई झाड़ियों में पता नहीं क्या ही कर रहे थे। तो उसके बाद भाई इस साइड भी दो दो बंदे हैं, तो इन पे मैंने अब रश कर दिया। क्या लगता है तुम्हारा भाई क्लच कर पाएगा? अगर क्लच कर दिया तो कुछ नहीं करना भाई तुम्हें।
और यार भाई पीछे से मार गया, तभी तो मैंने कहा था ना भैया, मतलब अगर क्लच नहीं हो पाया तो कुछ मत करना, तो वही हुआ इस बार भी, तो क्लच नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तो उसके बाद एक और गेम स्टार्ट किया है, और अब बात कर लेते हैं भाई अपने चैनल के बारे में। और यार जब से मैंने जो न्यू वाला लोगो है ना इसे रखा हुआ है, तो अब मेरे भाई व्यूज कम हो गए, पता नहीं कैसे, मुझे लग रहा है लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए तुम बताओ यार भाई, पुराना वाला लोगो रख दूँ फिर से? तो अब बताना यार तुम कमेंट करके, पुराना वाला रख दूं या फिर नहीं। और अगर नहीं रखूं तो भाई एक बंदे को शेयर कर देना तुम अपने किसी दोस्त वगैरह को, ठीक है? तो अभी भाई मेरे व्यूज़ थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, और इन चच्चा को बिल्कुल भी शर्म नहीं है भाई, हम बोल रहे हैं तो यार सुन लो हमारी बात। और यार मैं पुराना लोगो रखने से इसलिए भी डर रहा हूँ ना कि भाई क्या पता मैंने पुराना वाला लोगो रखा और साला उसमें भी व्यूज़ नहीं आए, और तुम कहोगे उसमें क्यों नहीं आएंगे व्यूज़, तो मैं समझाता हूँ यार। अब मैंने भाई न्यू वाला लोगो सेट किया, तो पुराना वाला लोगो क्या पता नाराज हो गया और वो कहेगा साले अब तूने वो वाला रख लिया था और मेरे पास क्यों आ रहा है वापस, और साला तब भी व्यूज़ ना आए तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है? तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ तुमसे राय ले ली जाए, तो तुम बता देना कमेंट करके। और उसके बाद भाई यहाँ पे सारे बंदे फिनिश हो चुके थे, और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और सामने एक साइड में एक बंदा है, और मुझे पता नहीं क्या ही नशे चढ़ रखे थे, मैं इस वाली बिल्डिंग में चढ़ जाता हूँ। उसके बाद सामने एक साइड में एक बंदा है जो कि कतई, और यो चचा कतई यार स्वैग में कतई ऑल माइक में डीजे डूजे बजा रखे थे, और पता नहीं किसको फिनिश करने में लगे होते, और इनको हमारे फुटस्टेप भी नहीं आए। और उसके बाद इनको इमोट करके भाई चिढ़ाना बनता है यार, क्योंकि इस वाले बंदे ने भाई ऑल पे चैलेंज किया था, क्योंकि मुझे याद था यार इसके उस टाइम भी भाई पीछे वो डीजे वगैरह बज रखे थे। तो उसके बाद मैं इस साइड आता हूँ, और यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। हाँ भैया जी याद आ गया मुझे, ये सामने जो मैं कॉकरोच दिख रहा है, यहाँ पे एक कॉकरोच आ जाता है, और कॉकरोच इसी को कहते हैं, तो मैं पता ही होगा BRDM इजकल टू कॉकरोच, क्योंकि शक्ल तुम देख सकते हो एकदम कॉकरोच की तरह है, और इजीली मरता भी नहीं है भाई। और यहाँ पे मेरी फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि यार मतलब BRDM से कौन ही डरेगा यार, मतलब इतनी खतरनाक गाड़ी जिसमें तुम फाड़ भी नहीं सकते और बंदे को भी नहीं मार सकते, लेकिन अब मार सकता हूँ क्योंकि बंदा गाड़ी से बाहर है। और देख रहे हो भैया तुम्हारा भाई कति प्रो हो रहा है यार, शॉटगन वाले बंदे को भी मार देता हूँ, और इसका BRDM भी चुराएंगे और निकलते हैं यहाँ से अब। अरे बहुत ज़्यादा शर्म कर दो, लूटते हो और मूटते हो किसी को नहीं देखना चाहिए, बहुत गंदी बात होती है, इनके माँ बाप ने नहीं सिखाया होगा लेकिन हम इन्हें सिखा देते हैं। उसके बाद मैं गाड़ी लेके यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी एक बंदा रह रहा था, और यो देख लो बंदर की तरह उछली मार रहा है ना वो, ये बंदा। और भैया जी इस वाले सीन के लिए तो मैं सब्सक्राइब करना होगा यार, और जो मतलब सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं ना, तो साथ में बेल आइकन का उसे भी दबा देना और ऑल पे सेलेक्ट करना। और जिसने भाई ये दोनों अच्छे काम कर दिया है ना, तो तुम एक काम करना कि तुम कमेंट सेक्शन में जाना और #BanOP लिख देना, तो मज़ा आ जाएगा कदई। तो उसके बाद मैं मतलब अपने BRDM को लेके इस साइड आता हूँ, और देख रहे हो भैया मतलब यहाँ पे मुझे लगा कि ये वाला बंदा भी मतलब BRDM में बैठ जाएगा, और मैं कभी पहलने के बिल्कुल तैयार था भाई, जैसे ही बैठेगा पटाख करके मार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके बाद मैं BRDM लेके यहाँ पे आता हूँ, और ये सोलो का मैच था लेकिन दो बंदे यहाँ पर टीम अप करके बैठे होते। और जिन लोगों को नहीं पता ना कि भाई मतलब BRDM के अंदर बैठे हुए बंदे को तुम पेन से मार सकते हो, तो मैंने बता दिया। और अब भाई ऊपर बंदे, और तुम भाई यहाँ पे देखो बस, ये बूम हुआ और ये वाला बंदा खत्म, और सब्सक्राइब और लाइक कुछ भी कर सकते हो तुम। और इसी के साथ इनके प्रिय बंदों को भी भेज देते हैं। और अभी भाई मतलब बिल्कुल शांत नहीं होता माहौल, अभी एक और बंदा मौके का फायदा उठा के यहाँ पे मेरे पे रश कर देता है, तो मैं बिल्कुल उजी आजी लोड करके कर तैयार था, जैसे आएगा बजा देंगे। तो यो वाले भाई साहब हमें मारने के लिए लाए थे DP, लेकिन हमने बजा दी इनकी PP। अगर ये वाला सीन अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको, और मुझे पता है ये वाली वीडियो एक दिन लेट आ रही है, तो उसके लिए माफ़ करना यार, मैं थोड़ा सा मतलब बिल्कुल हल्का सा यार बिजी था, बिजी तो नहीं था लेकिन कुछ थका हुआ था यार। तो उसके बाद मैं गाड़ी लेके इस वाले घर पे आता हूँ, और यहाँ पे दो दो बंदे हैं,
और पहले से फाइट चली है। और भैया जी मेरी किस्मत देख रहे हो, कतई आरपीजी वाले बंदे ने खुद को मार दिया और भाई कतई यहाँ पे मैं बच जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो इन दोनों बंदों, इन दोनों ने नहीं अलग अलग टीम के थे, एक किसी एक बंदे ने यहाँ पे कितनी ज़्यादा पेटियाँ बना रखी है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ऊजी ओजी उठा के यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मुझे ऊपर मतलब नीचे एक गाड़ी दिखती है और गाड़ी तो मतलब बंदा, तो बंदा भी यहीं कहीं था, लेकिन मुझे लगा चलो भाई चला गया होगा बंदा, क्योंकि तुम देख सकते हो फुटस्टेप जरा भी नहीं आ रहे। और मेरे भाई यहाँ पे मेरी फट जाती है भाई सच में, पीछे से शॉटगन चिपकती है, बंदे ने कर दिया रस, क्या लगता है मैं बच पाऊंगा। उसके बाद मैं भग के जाता हूँ और बीआरडीए में बैठ जाता हूँ। नहीं भाई मजाक चल रहा है यार, ये क्या है भाई, मतलब मैं गाड़ी के उस साइड जाकर बीआरडीए में बैठा लेकिन भाई मुझे गाड़ी में बैठा दिया यार इन पबजी वालों ने, तो गलत बात है भाई, बहुत ज्यादा गलत बात है। तो यहाँ पे सबको पता लग गया कि यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं थी, गेम वालों की गलती थी। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाय बाय।